उपस्थित सभी विद्यालय के शिक्षकगण, सदस्यगण एवं अतिथिगण, प्यारे बच्चों, आज सुभाष चंद्र बोस जयंती पर विशिष्ट अतिथि का जो निमंत्रण हमें दिया गया उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे आप लोगों के बीच आए हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप में कि ऐसे प्रोग्राम में हमें आने का सौभाग्य मिला और श्री विद्याशंकर जी ने हमें इस काबिल समझा कि हम इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करें। मैं थोड़ा सा इस बात पर बताना चाहूँगा क्योंकि सांस्कृतिक प्रोग्राम है और बच्चों का प्रोग्राम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना पूरा जीवन भारतवर्ष के लिए लगाया और अपना सब कुछ निछावर कर दिया, तो इस बलिदान को हम ऐसे न माने कि सुभाष चंद्र बोस जी ने सिर्फ स्वतंत्रता दिलाने के लिए ही ये काम किया था। उनके कुछ सपने थे, कुछ ख्वाहिशें थी, वो देखना चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष में जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो आगे बढ़े और जो सोच हमारी है उसको पूरा करें, स्वावलंबन की दिशा में हम अपना कार्य करें। लेकिन ये सब सारे कार्य तब होंगे जब हमारी नींव मजबूत होगी। नींव मजबूत होती है बचपन की शुरुआत से और उसमें सबसे पहली कड़ी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए बहुत सराहनीय काम श्री दयाशंकर जी ने किया है कि भीकम सिंह विद्यालय के नाम से इस रूरल एरिया में स्कूल की स्थापना की और आसपास के बच्चों को शिक्षित करने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है वो सही मायने में एक सराहनीय कदम है और उनकी सोच को पूरा करने में मैं कहता हूँ कि ये 100% योगदान है। शिक्षा एक अनमोल वरदान के रूप में बच्चों को दी जाती है। यही बच्चे कल बड़े होकर कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई टीचर होगा, हर एक क्षेत्र में अपना नाम कमाएंगे। आज हम भी जिस मुकाम पे हैं, आज का ये दृश्य देखकर हमें भी वो चीज याद आ गई कि हम भी किसी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़े थे और नीचे हम कट्टा डाल के पढ़ते थे। वो यादें हमें आज ताजा हुई और ये चीज माहौल देख के, तो ये जरूरी नहीं है कि हर कोई आदमी बहुत अच्छे जगह से पढ़ के आया हो वही आगे निकलेगा। आदमी की सोच बच्चे के, ये सही मायने में बच्चों के लिए है कि बच्चे की सोच वो होनी चाहिए कि हमें कुछ कर गुजरना है। बहुत बढ़िया माहौल सबके लिए नहीं मिलते हैं। अखबारों में अगर पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि बहुत से ऐसे IAS निकल के आते हैं जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हुए साइकिल से या पैदल जाकर 8-10 किलोमीटर की दूरी तय करके पढ़ते हैं। घर में बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं होते हुए भी IAS बन जाते हैं, तो वो सारी उनकी लगन और मेहनत होती है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शुरुआत से ही ऑफिसर्स लाइन में, जिनके पेरेंट्स रहते हैं, बड़े होकर वो कुछ नहीं कर पाते, निकम्मे निखले हो जाते हैं और नाम बदनाम भी करवा देते हैं। तो बच्चों, ये आप लोगों के लिए एक लेसन है कि हमें किस लाइन में चलना है। यहीं से ही शुरुआत होती है, हमें अभी से ये सोच बना के चलना है कि हमें क्या करना है, उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हुए चलें।
और उसी हिसाब से हम आगे का अपने मार्ग का चयन करें। आज हम बहुत व्यस्त प्रोग्राम में थे, आज क्योंकि प्रोग्राम था यहाँ पे और दयाशंकर जी खुद चल के वहाँ गए थे इन्वाइट करने के लिए, तो हम आए बिना नहीं रह सके। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहूँगा, हमें थोड़ा जल्दी में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इस प्रोग्राम में हमें बुलाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मैं आभारी हूँ आदरणीय अपने रणधीर जी जीएम साहब और उनकी पूरी टीम, हमारे सीएम साहब हम लोग बैठे हैं। मैं कल इनके पास आम गया था, वर्षा का टाइम था, जब मैंने आपके सामने ये बात रखी, मैंने हमारे छोटे छोटे बच्चों का एक कार्यक्रम विद्यालय में है कल और आपको आना है, उस साहब की शालीनता देख करके व्यवहार देख करके मैं बहुत ही खुश हुआ। उन्होंने आज इतने व्यस्ततम समय में से हम लोगों के लिए समय दिया है। आज बाहर की टीम वहाँ पर आने वाली है, लेकिन फिर भी आप आए, आपके हम पूरा विद्यालय और मैं खासतौर से बहुत ऋणी हूँ। आप आए, आपके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आदरणीय श्री रणधीर सिंह जी जीएम साहब ने बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए 5100 रुपए यानी 5100 रुपए प्रदान किए हैं। विद्यालय प्रभाग की ओर से आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। अब इसी क्रम में हमारे मध्य हमारे विद्यालय के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने आएंगे। कुमारी रश्मि दया आदि